भाजपा प्रदेश स्तरीय बूथ समितियों का सत्यापन 15 अगस्त से 15 सितंबर तक। खबर यूपी के जनपद अमरोहा से है, जहां आज भाजपा की प्रदेश स्तरीय बूथ समितियों के सत्यापन कार्य शुरू किए जाने को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसका सत्यापन कार्य 15 अगस्त से 15 सितंबर 2021 तक होगा। तो वहीं कोरोना संक्रमण के कारण इस अभियान में कोविड 19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए ही सत्यापन का कार्य किया जाना है। यह तस्वीरें हम यूपी के जनपद अमरोहा के नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र की दिखा रहे हैं, जहां नौगावा विधानसभा के शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक रजबपुर मंडल के एस बैंकेट हॉल जेरही में आयोजित की गई। आपको ज्ञात होगा कि आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज सेक्टर संयोजक की बैठक ली, जिसमें सभी बूथ प्रमुख सेक्टर संयोजक मौजूद रहे। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि कविता माधुरी रही, तो वहीं कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष कैलाश त्यागी, कार्यक्रम संयोजक नरेंद्र प्रताप राणा एवं बैठक की अध्यक्षता रजबपुर मंडल के अध्यक्ष रामनिवास गोला ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि ने बताया कि प्रत्येक मंडल के सभी शक्ति केंद्र संयोजकों को उनकी बूथ किट देनी है, जिसमें शक्ति केंद्र में आने वाले सभी बूथ की समितियां तथा संशोधन हेतु फॉर्म में रखा है। बूथ सत्यापन हेतु संबंधित पार्टी पदाधिकारी शक्ति केंद्र पर जाकर बूथ समिति का सत्यापन करेंगे। वहां जाकर पन्ना प्रमुख बनाकर बूथ समिति का गठन करके भाजपा जिला कार्यालय पर जमा करेंगे। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख गुरेंद्र सिंह के प्रभारी युद्धवीर सिंह, डॉक्टर मोमराज सिंह गुर्जर, जिला महामंत्री चंद्रभान सिंह भाटी, शशि चौहान, राकेश वर्मा, राहुल चौहान, अवनीत दिवाकर, धर्मेंद्र चौहान, योगेश चौधरी, सुरेश यादव, कृष्णा बहादुर सिंह, करतार सिंह सैनी, कपिल चौधरी, विपिन शर्मा आदि बड़ी संख्या में सेक्टरों के संयोजक, सेक्टरों के प्रभारी उपस्थित हैं। ये जो आज बैठक हो रही है, इसके बारे में बताइए। ये आज जो हमारी बैठक है, ये शक्ति केंद्र की बैठक है। जो हमारा कार्यकर्ता सेक्टर का और बूथ का खड़ा होता है, तो उसकी बूथ की कमेटी बन रही है। हालांकि बूथ की कमेटी हमारी पहले से बनी हुई है, मगर आज का सत्यापन होना है तो उसकी किट आई है प्रदेश से। तो जब प्रदेश से हमारी किट आई है, तो उसमें हर पन्ना ग्रुप बनने हैं। जो पन्ना ग्रुप होता है, हमारी जो उसकी लिस्ट होती है वोटर लिस्ट, उसके पन्ना ग्रुप बनने हैं। एक एक जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता को दी जाएगी। यूपी के अमरोहा से डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।